कहा था शिव जी तमोगुण में हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण में हैं, तो वो इतने महान वैष्णव हो के शुद्ध नहीं है तो हम कैसे हो सकते हैं वहां? हाँ यही बात है। तो ये प्रश्न है, एक्चुअली शिव जी और ब्रह्मा ब्रह्मा राजगुण के अधिकारी है, मतलब इज द कंट्रोलर ऑफ राजगुण, कंट्रोल नियंता जैसे, और शिव जी तामोगुण का अधिकारी। ऐसे नहीं है कि वो पूरी तरफ से तामोगुण से प्रभावित है, ये भी समझना चाहिए। ये वैष्णवानम यथा शंभु, शिव जी महान वैष्णव है, कृष्ण को बार बार भगवान को याद कर रहे हैं, संकर्षण वो ध्यान करते हैं, तो वो एक्चुअली मोह माया ऐसे और ऐसे तमोगुण से प्रभावित नहीं है। जब भी वो लग रहे कि स्नान नहीं कर रहे, स्मशान में चले जाते, भूत प्रेतों के साथ घूमते, सांप ऐसे ऐसे क्या बोलते, खोपरे वो सब माला पहनते हैं उसका, तो लग रहे कि गंदे हैं, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं है, वो तमोगुण से प्रभावित नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करने, ऑफ कोर्स क्योंकि तामोगुण के साथ कार्य करते हैं तो लग रहे कई बार नाराज हो जाते थोड़ा बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जैसे प्रभावित नहीं है, उनका अलग है परिस्थिति। लेकिन जब हम बोलते हैं हमारा क्या, जैसे आपने कहा अभी आगे पॉइंट जो है, एक्चुअली ये ब्रह्मा के बारे में अगर आप याद करेंगे भागवतम दूसरा स्कंद में दूसरा और तीसरा, वहाँ पर ब्रह्मा तपस्या कर किया, भगवान का दर्शन प्राप्त किया, वहाँ प्रार्थना कर रहे, सृष्टि करने से पहले प्रार्थना करें कि आप मुझे शक्ति दीजिए सृष्टि करने के लिए, और ये भी दीजिए कृपा कि जब मैं ये कार्य करूँगा भौतिक काम, ये तो अलग अलग कुछ अलग अलग योनि बनाना है, अलग अलग परिस्थिति, ये सब ये जब मैं करूँगा कि मैं इस मोह में नहीं फंसूंगा, मतलब पहले कि मैं सृष्टि करता हूँ यही प्रार्थना किया, और कि मैं मोह माया में नहीं फंस जाऊँगा जब मैं ये सारे काम करूँगा, क्या मैं आपको भगवान कभी नहीं भूल जाऊँगा, नहीं डिस्कशन हो रहा है, ये प्रार्थना कर, और वहाँ भगवान बाद में उनको बोलते आप प्रभावित नहीं होंगे ऐसा। तो इसका अर्थ है कि भगवान के भक्त हैं ब्रह्मा, तो प्रभावित नहीं है हम जैसे है बीच में। ऑफ कोर्स ब्रह्मा के बारे में बाद में जब सृष्टि हुआ थोड़ा है, अलग अलग लीला है उनका, तो लग रहा है कि मोह माया से प्रभावित थे, लेकिन वो हो सकते थोड़ा समय के लिए, बाद में उन्होंने तुरंत ने अलग अलग शरीर परित्याग किया, ने अपने पुत्री से आकर्षित थे, तो लग रहे काम वासना में फंस गया, लेकिन बाद में जब ऋषि मुनियों को उसे बोले कैसे हो सकते, तब उन्हें समझ गए गलत है, तो उन्हें वो पर शरीर परित्याग किया ऐसा। तो हो सकते कभी वैष्णव तोरा प्रभावित है, मोह माया पावरफुल है, लेकिन क्योंकि भगवान की कृपा से उनको भगवान रक्षा देते हैं, तो प्रभावित है कई बार सिखाने के लिए दूसरे लोगों को, जैसे कि ये एक शिक्षा है हमारे लिए कि देवी, जैसे आपने कहा देवी देवता भी प्रभावित हैं कभी कभी, कभी ऐसे परिस्थिति आता है, तो अब हमारा बात क्या है तब? तो इसका अर्थ ये हमारे लिए शिक्षा है कि हमें और अच्छे से भक्ति करना चाहिए और नियम पालन करना चाहिए। नहीं अगर देवी देवताओं के लिए उनको दिक्कत आता है बीच में प्रॉब्लम माया का आकर्षण, तो हमारा बात क्या है तब? तो इसका अर्थ है कि हमें सारे जो नियम दिया, जो परंपरा के आचार्य दिया, जो भगवान ने दिया, वो हमें अच्छे से पालन करना चाहिए और भी तीव्र से प्रार्थना करना। तो ये एक दूसरा पॉइंट ये है कि हम सोचेंगे कि नहीं अगर देवी देवता मोह माया से प्रभावित है तब मुझे भक्ति करना क्या जरूरत है, संभव ही नहीं है, हम तो इतना तुच्छ हैं देवतों के सामने, तो अगर उनके लिए संभव नहीं है तो मैं भी नहीं करूँगा,
सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये विचार ऐसा नहीं, क्योंकि भक्ति में ऐसा है, हम प्रयास कर रहे हैं, हो सकते मोह माया से का प्रभाव, राजगुण तमोगुण का प्रभाव आएगा, लेकिन करते रहना नेहा विक्रम अनाशस्ति, ये प्रयास कभी भी नाश नहीं होगा और धीरे धीरे हम उससे बाहर आ सकते हैं। भागवतम में हम देख सकते हैं जब देवी देवता प्रभावित है माया से, और बाद में तो समझ पाते नहीं गलती हुआ, फिर भी आगे भक्ति करते रहते हैं, इंद्र प्रभावित है, ब्रह्मा प्रभावित है, वो भी शिव जी मोहिनी मूर्ति से आकर्षित थे, लेकिन बाद में अंतिम में ऐसा नहीं है कि अभी भक्ति छोड़ दिया और अभी पूरा मोह माया में फंस गए, अंतिम में सब शिक्षा प्राप्त किया सब और भक्ति आगे करते हैं। तो हमारे लिए ये शिक्षा भी है कि हमें तो करना ही है, जो भी आकर्षण होगा लेकिन हमें आगे करना है हर एक परिस्थिति में, ठीक है। जैसे हम सेवा करने से शुद्धि होगा हम लोगों का, लेकिन सेवा किस भाव से कैसे करने से वो सही है? समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बोले। सेवा हम लोग जो करेगा, कोई भी सेवा किस भाव से करने से वो सेवा संपूर्ण अच्छा से कर सकते हैं? अच्छा, तो सेवा समय भगवान की सेवा करना, जिसमें अलग प्रकार की सेवा है, प्रचार करेंगे, पूजा की तैयारी, सफाई, भोग बनाना, सब्जी खरीदना, प्रोग्राम अरेंज करना, मंदिर बनाना, जो भी बहुत सारे सेवा है, और सेवा करना है हमारे इंद्रियों से अभी, लेकिन एक है कि हम ये भावना जो है मनोवृत्ति के निस्वार्थ, लेकिन निस्वार्थ मतलब भगवान को प्रसन्न करना, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट है कि हमें डिटेल्स अच्छे से करना सेवा, अच्छे से मतलब कई बार दोनों साथ होना चाहिए, मनोवृत्ति निस्वार्थ होना चाहिए और उत्साह और सब, लेकिन अच्छे से भी करना है, ऐसे हम बोलेंगे निस्वार्थ करेंगे तो जब भोग बनाएंगे तो भगवान के लिए, तो ऐसे ही बनाएंगे, टेस्ट होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, निस्वार्थ नहीं, ऐसा नहीं हमारे लिए निस्वार्थ, लेकिन भगवान के लिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, तो मतलब डिटेल्स, सफाई करेंगे तो अच्छे से सफाई करना पूरा, नहीं यहाँ कोने में भी यहाँ भी सब साफ होना चाहिए, नहीं डिटेल्स अच्छे से रखना है, सारी चीज नियम अच्छे से पालन करना जैसे आचार्यों ने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कि दोबारा केवल नियम में फंस जाएंगे, ये भी दूसरा है, यहाँ आप सब अच्छे से हम कर रहे हैं, अच्छे से हम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी स्मार्ट हो सकते हैं, अच्छे से हम कर रहे हैं दिखाने के लिए, देखिए मैं सबसे अच्छे कर रहा हूँ ये सेवा, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर रहा, अगर मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, नहीं तो सेवा अच्छा कर रहे ऐसे बाहर से, लेकिन मनोवृत्ति वो इतना शुद्ध नहीं है, तो दोनों तरफ से, बाहर भी अच्छे से सेवा करना, पूरा अच्छे प्रसाद बनाना, अच्छे पूजा करना, लेकिन भाव भी होना चाहिए इस कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, इसीलिए उपदेशामृत में ये जो बात हुआ दोबारा बताएंगे, भूमिका में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति में जो अनुयायी है उनका भक्ति में प्रगति उनके मनोवृत्ति पर निर्भर है, बाहर से क्या क्या करेंगे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मनोवृत्ति शुद्ध है निस्वार्थ है तब बाहर से भी अच्छा करेंगे, क्योंकि वो प्रेम से, अगर किसी को प्रेम हम करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति के लिए हम बहुत अच्छे से सेवा करेंगे ना, ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे, तो प्रेम का लक्षण नहीं है, तब हमको याद करेंगे, विचार करेंगे उनको क्या पसंद है, उनको ऐसे पसंद है तो वही ऐसे ही करेंगे, नहीं तो ये प्रेम का लक्षण, अच्छे से करेंगे सेवा, पूरा अब्सॉर्प्शन, ऐसा नहीं कि हम कृष्ण को याद कर रहे हैं और बाद में हम उनकी सेवा के लिए, नहीं कुकिंग का उदाहरण अगर देंगे हम, हाँ हम इतना कृष्ण को याद कर रहे हैं कि जब हम
राइस बनाया तो जल गया, दाल बनाया जल गया, ओ जल गया प्रभु, कि कैसे ऐसा क्यों किया? हम तो कृष्णा को याद किया समाधि में थे। ये तो समाधि नहीं है, ये गलत है। मतलब अगर आप कृष्णा के लिए बना रहे हैं, वही समाधि होगा अगर आप ध्यान से और बहुत प्रेम से बनाएंगे, और नहीं कि जलेगा नहीं ये भी ध्यान देंगे, नहीं तो समाधि ये तो अलग पॉइंट है। गोपी और सब लोग वो समाधि में बैठते नहीं ऐसा ध्यान, वो पूरा एक्टिव है, सेवा सेवा करते हैं, लेकिन सारे सेवा कृष्ण के लिए करते हैं, सारे प्रयास कृष्ण के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो ये मन में ये विचार, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा सेवा करना, सबसे बढ़िया ऐसा, ठीक है। और कितना देर तक पूरा एकदम निभाना है, कैसे निभाना है? प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा परिस्थिति के अंदर। प्रसाद वितरण एक ऐसा सेवा है, बहुत साइंस है कैसे वितरण करना, क्या देना पहले। एक एक ये है कि जो वितरण करते हैं वो बार बार जाते हैं, ऐसे खाली हाथ में जाना और पूछना कि आप आपको क्या चाहिए, आपको राइस चाहिए, आपको खीर चाहिए, और हाथ में नहीं है तो लग रहा है कि देना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, नहीं आपको पकड़ना जो भी है। मान लीजिए आपको क्या चाहिए, आप पूछेंगे तो बोले मुझे गुलाब जामुन चाहिए, देखो वो ख़त्म हो गया, तो बोलेंगे नहीं है, तो कैसे होगा? तो इसीलिए अभी जो पूछने वाला, जो लेने वाला है, उनको इससे संतुष्ट होना चाहिए जो आ गया, लेकिन जो सेवा करने वाला है तो उनको बार बार जाना है और देखना है कि अभी समाप्त हो गया, अभी वो नहीं चाहते, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं हम तैयार हैं देने के लिए, तो बार बार आता है तो ले लेंगे, लेंगे बाद में जब नहीं लेते तब फिर जब बात लेते रहेंगे तो। लेकिन जनरली तो बात कुछ समय के बाद संतुष्ट हो जाते हैं और चले जाते हैं, कोई विशेष केस हो सकते हैं बार बार, लेकिन ऐसा नहीं। तो मतलब जो सेवा करते बार बार जाना है चाहिए, तो कई बार पूछना भी जरूरत नहीं है कि आपको सब्जी चाहिए, और बस दिखाना है ये है, बोलना ही नहीं कुछ, केवल देने के लिए तैयार, लेकिन बाद में बात ऐसे करेंगे तो नहीं देंगे, आगे जाएंगे। ऑफ कोर्स बाद में बातों का जो अच्छे संबंध है, प्यार है, तो थोड़ा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अरे तोरा, तो ये कभी कभी भक्तों का जो संबंध है अच्छे से, कई बार आर्टिफिशियली ये नहीं करना चाहिए किसी को फोर्स, जो जिनके साथ आप इतना संबंध नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरा फ्रेंड है, उनको ये पसंद है, लेकिन बोल रहे ना बोल फिर उनको दिए तो ऐसे, ये अलग परिस्थिति है, अलग परिस्थिति। प्रभु जी इसमें एक मेरा विचार है, मतलब मैं एक प्रश्न है इसमें, ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में कभी मैं हम लोग कभी देखते हैं कि भक्त लोग जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो करते करते कभी ऐसा होता है कि उन लोगों के प्रसाद लास्ट में नहीं रहता है, मतलब वितरण करते करते खत्म हो गया, आदमी ज़्यादा हो गया तो प्रसाद नहीं रहता है, तो इसीलिए क्या करता है बहुत लोग देखते हैं कि मंदिर में कई भक्त लोग आगे थोड़ा स्पेशल प्रसाद थोड़ा रख देते हैं, प्रसाद रख देते हैं कि उनको अंतिम में मतलब अच्छा से जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया है सेवा भक्त लोग किया है उनको कमी ना हो। हाँ। तो ये मनोवृत्ति अच्छा है क्योंकि आप खाए वितरण करने से पहले अपने लिए एक्चुअली इस प्रकार है, अभी जो वितरण कर रहे हैं उनका ये नहीं है मेरे लिए होगा नहीं होगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बात जो जो इंचार्ज है उनको ये कर्तव्य है कि उनके लिए भी होगा अरेंज करेंगे, तो कोई दूसरा बात ये कर सकते, जो वितरण कर रहे हैं खुद नहीं आपने लिए, लेकिन कोई दूसरा भक्त जो अरेंजिंग कर रहे हैं वहाँ, जो ऑर्गेनाइजर है, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लीडर है, उनको ये देखना है ये खुद करेंगे ये किसी और भक्त को सेवा देंगे कि बाकी जो सर्विस करने वाले हैं उनके लिए प्रसाद होगा नहीं, क्योंकि हाँ हाँ लेकिन जो सेवा कर रहे हैं वो मेरे लिए होगा नहीं होगा
सबसे अच्छा है ऐसा कि हम अपने आप नहीं रखेंगे आपने लिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल निस्वार्थ करना चाहते ये है। कई बार ऐसे परिस्थिति भी था कि जो सर्विंग करने वाले उनको पहले ही खिलाया बात दूसरे बात पहले, क्योंकि बाद में वो शांत रहेंगे बाद में, क्योंकि अगर आप सेवा कर रहे हैं और अभी विचार कर रहे हैं कि होगा नहीं होगा, उनने रखा मेरे लिए कि नहीं हो बहुत प्रॉब्लम, तो मतलब बोलते नहीं लेकिन अंदर में विचार आता है, तो ये भाव बाद में अच्छा नहीं है। सेवा सेवा भाव नहीं है था, ये इतना लिया ये लेंगे अभी उनको दूंगा तो खत्म हो जाएगा, ये विचार आएगा तो मेरे लिए नहीं होगा। तो विशेष जो ऐसे नए भक्त हैं उनको दूसरा भक्त अरेंज करेंगे कि उनके लिए है प्रसाद, नहीं तो उनको पहले ही खिलाएंगे, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आदत नहीं होना चाहिए कि मुझे पहले ही खाना है। एक्चुअली ये सही नियम ऐसा नहीं है, सही नियम है तो सेवा कर ले लास्ट लेंगे, लेकिन ऐसे भी हुआ। मैं ऐसे बताता हूँ कि अगर कोई भक्त ऐसा है जो आप पता है कि उनका प्रॉब्लम होगा, ऐसे भक्तों को यूजुअली सेवा में नहीं देते सेवा करने के लिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कभी। तो मेन पॉइंट ये है कि जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है वो ही रखेंगे प्रसाद, अपने आप नहीं रखेंगे। ठीक है, जो सेवा सेवा करके वो पूरा निवेदन मतलब कंप्लीट पूरा सेवा मतलब रानी उसको सेवा दिया गया है तो वो थोड़ा मतलब सेवा करके वो चला गया, वो मतलब फुल कंप्लीट उनका दायित्व नहीं निभाया, तो उस परिस्थिति में उसको क्या मतलब उसके लिए क्या शिक्षा होना चाहिए, मतलब सेवा कंप्लीट नहीं किया है वो अधूरा करके चला गया। हाँ तो बात करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल है आप क्यों नहीं किया, तो बाद में एक बार ऐसे किया दो बार तो बाद में उनको सेवा नहीं देंगे। पहले ये समझाना चाहिए बातों को, अभी क्या कारण है वो देखना है, क्योंकि ऐसे बहुत बहुत इमरजेंसी हुआ चले गए, ये ऐसे ढीला हो गया उनका इतना इच्छा नहीं है। पहले समझना चाहिए कि सेवा ये भगवान की सेवा ये इतना मूल्य है वो मिलता नहीं, बहुत जन्मों के बाद हम मिला, ये पहला पॉइंट है। ये जो सेवा कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि ये अभी बहुत बहुत समय के बाद मिला, ये इतना वैल्यूबल है, तो ये ऐसे प्रचार होना चाहिए। इसलिए नए भक्त को सेवा नहीं देना, सेवा का गुणगान करना, ये सेवा सेवा उनको सेवा नहीं। जब खुद बोलेंगे ऑफ कोर्स यूजुअली प्रॉब्लम है खुद कोई नहीं बोलता ना, लेकिन अगर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि भक्त इच्छुक होंगे मुझे सेवा करना ये बहुत बड़ी अवसर है मेरे लिए, बहुत ये इतना अमूल्य चीज़ है सेवा, और तब जब इच्छुक होंगे तब उनको सेवा देना, ये एक्चुअली आइडियल है। प्रैक्टिकली कई बार थोड़ा कठिन है, सबको लगाना है सेवा करना तो भक्त इतना नहीं है तो, लेकिन ये है ये श्रीला प्रभुपाद ने ऐसा किया जब विदेश में थे ना, जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उन्होंने खुद कुकिंग किया, खुद प्रवचन कीर्तन प्रसाद वितरण ताली धोना और पूरा हॉल सफाई करना, कुछ समय ऐसे ही चल रहा था, लोग आया सबको अच्छा लगा और हरे कृष्णा स्वामी जी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ऐसा हुआ। तो श्रीला प्रभुपाद ने सारे सेवा अकेले किए, एक बार भी नहीं बोला कि आप मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए। बाद में ये बात कोई ना कोई अपने आप विचार किया कि देखिए इतना उम्र है उनका फिर भी सारे सेवा खुद ही कर रहे, तो पूछा बाप कि आपको कुछ हेल्प चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम है हाँ आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, हाँ तब उन्हें सेवा देना शुरू किया बाप, तो वो खुद आए आगे इस भाव से कि ये सेवा इतना मूल्यवान है, क्या बोलते हैं वैल्यूबल है कि आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो अगर वो वहाँ नहीं मिले ठीक है नहीं मिले दुर्भाग्य, समझना चाहिए कि ये चौथी पार्ट नहीं है भगवान की सेवा। नहीं जैसे मान लीजिए आप क्या एयरफोर्स, तो उसी काम करने के आपने बहुत स्ट्रगल किया ना, अभी आप हाफ करेंगे काम वहाँ पर तो
जाना है। मीन्स अगर आप बार बार प्रॉब्लम करेंगे, सेवा नहीं होगा, काम अच्छे से नहीं होगा, आपको निकाल देंगे नहीं जॉब से। तो लेकिन आप खुद जानते हैं कि इतना सेवा, इतना प्रयास, इतना पढ़ाई, इतना संघर्ष किया वहाँ पहुँचने के लिए, तो आप भी अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाफ हार्टेड नहीं कर रहे। लेकिन बात कभी हम भूल जाते हैं कि ये सेवा कितना वैल्यूएबल है, तो बाद में हम शुरुआत में करते करते बाद में ऐसे। तो ऐसे संक्षेप में।